सुनो कुछ खाए आते हैं, बड़ी भूख लगी है यार। चले हाँ पिज्जा खाने चले। हाँ कौन सा पिज्जा खाएगी? मैं खाऊंगी कॉर्न पिज्जा। कॉर्न पिज्जा नहीं तो खाएगी चाटा। क्यों? क्वेश्चन का जवाब दे अगर पिज्जा खाना है तो। यार ये क्या बात हुई, हर चीज में क्वेश्चन का जवाब दे तो रहने दे, मत खा पिज्जा। अच्छा अच्छा चलो बताओ बताओ, चलो आज मैं गलत नहीं होने दूंगी। पक्का? पक्का। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी नजरों के सामने डूब रही है, हम उसे फिर भी नहीं बचा सकते? तुम्हारे पास मशीन क्रेन सब कुछ है लेकिन तुम बचा नहीं सकते उसे। भैंस? भैंस नहीं, दुश्मन। अरे दुश्मन ही तो होगा। चीटी? नहीं, गलत जवाब। और सही जवाब है सूरज। सूरज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। खाना है? पिज्जा खाना है? पिज्जा खाना है? 10 रुपए की मूंगफली ले लो और बैठ के खाते रहो, पिज्जा खाएंगे। यार क्या मस्त लड़की जा रही है यार, देख यार, देखो कितना हैंडसम लड़का है। सुबह बता दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट आई थी, देखो मैसेज भी आया हुआ है यार। तो हैंडसम, मैं भी मैसेज करूँ? फिर तू ऐसे कैसे मैसेज कर सकती उसको? है उसको? क्यों मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम भी तो देख रहे थे। तो क्या हुआ यार, मैं लड़का हूँ, मैं देख सकता हूँ। हाँ मैं भी, मेरी भी उंगलियाँ चलती है, मैं भी मैसेज देख। तू नहीं, तू 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 इसको डिलीट कर रिक्वेस्ट और ब्लॉक कर इसको। मैं क्यों करूँ? ठीक है यार, मैं नहीं देख रहा उसको, तू भी नहीं करेगी बात। हाँ ठीक है कर, डिलीट कर। छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें सिर फोड़ता। अब कहाँ भागे जा रही हो? बाबा भागे कहाँ जा रहे हैं, हम तो टहल रहे हैं। टहल रही हो? हैं हमारी जिंदगी टहला के तुम टहल रही हो? जब से रिजल्ट आया ना फोन उठा रही हो ना तुम घर पे हो, क्यों की रहे तुम हमारे साथ ऐसा? क्या किए हम? धोखा दिए तुम हमें, विश्वासघात की नारी का त्रिया चरित्र दिखाई हो तुम हमको। कुछ ही कह रहे हो, ये सब झूठ है। झूठ है तुम्हें बताओ, जो तुम्हारे पापा ने तुमको डांटा था कि यदि तुम फेल हो गए तो तुम्हारी शादी किसी ऑटो वाले से करा देंगे, और हमारे पापा ने हमसे कहा था कि हम फेल हो गए तो हमसे ऑटो चलवाएंगे। तब हमने कॉम्प्रोमाइज किए थे कि नहीं किए थे कि हम पेपर में कछु नहीं लिख के आएंगे, है ना, और उसके बाद हम जिस ऑटो वाले से तुम्हारे पापा शादी करेंगे वही ऑटो वाले हम बन जाएंगे। पर तुम की क्या क्या की तुम? ये देखो देखो, तुम्हारे तुम्हारे 88% और हम 25% पटक के फेल हो गए। उधर पापा हमारे लिए ऑटो बुक कराए और तुम कॉम्प्रोमाइज तोड़ दी। अरे तो मेरे को तभी समझ जाना चाहिए था जब तुमने उस रोहित चोटे से एक्स्ट्रा पेन मांगा था। कुछ ही कह रहे हो अब तुम? हाँ हमें नहीं पता हमारे नंबर कैसे कैसे आएगा, तुम लिख के आयो पेपर में वो एक्स्ट्रा कॉपी मांग मांग के साइन थीटा कोस थीटा न्यूटन लॉ फूटन लॉ प्लस माइनस सब कुछ जमा जमा के लिख के आयो तुम। कोई फूफा नहीं बैठा तुम्हारा वहाँ पे नंबर देने के लिए? फूफा बैठा हो तो एक फूफा होगा, 100-100 फूफा है तुम्हारे, कितने फूफा हर सब्जेक्ट में फूफा बैठा तुम्हारा। नहीं देखो निखिल, हम तुम्हें बता ही देते हैं हमें नहीं पता हमारे नंबर कैसे, और आ भी गए तो तुम्हें पता है ना बोर्ड वाले कैसे कॉपियां चेक करते हैं। हां और हां जैसे तुम तुम्हारा प्लान फेल हुआ है ऐसे तुम भी फेल हो गए। भूल जाओ हमें, भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाए, सुनो ना सुनो, हम एक काम करते हैं ना, जो पापा कल हमें ऑटो दिलाएंगे ना उसी ऑटो में हम दोनों भाग चलते हैं ना, यही करते हैं। हाँ, बारी फेल के साथ भागेंगे क्या हम?